Very good morning, students. Next question. A small magnetic needle P is placed at the origin of XY plane with its magnetic moment pointing along the Y axis. ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिया है कि P जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटाइज नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अलॉन्ग Y एक्सिस है. तो दिस इज my Y एक्सिस एंड दिस इज my X एक्सिस. ओके, अब आप देखिए जो ये मैग्नेटिक नीडल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये नॉर्थ होगा और ये इसका साउथ होगा. सिमिलरली ये क्यू मैंने केस वन और केस टू के लिए बना के रखे. केस वन में हमने क्यू को यहाँ प्लेस किया है तो ये नॉर्थ हो गया क्यू का और ये साउथ हो गया, और केस टू में यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया. ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द क्यू. यहाँ पे है यानी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में. ठीक है, और यहाँ पे तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से दोनों मैग्नेटाइज नीडल है. ओके, आइडेंटिकल मैग्नेटाइज नीडल है इन टू पोजिशंस. अब देखते हैं इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है, फील्ड स्ट्रेंथ बताता है. तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो कुछ ऐसे जाएगी. करेक्ट, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगी वो यहां पे कुछ ऐसे जाएगी. करेक्ट, यानी ये ऐसे जाएगी और यहां पे कुछ ऐसे निकलेगी. ये इसकी वजह से, हाँ, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ रेड पेन, और ये यहां पे ऐसा करके अंदर की तरफ. करेक्ट है, गॉट द पॉइंट. अब यहां पे देखिए इस क्यू का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एम है, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुई है उसका भी डायरेक्शन सेम है. करेक्ट, यहां पे आके देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कुछ यहां पे है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यहां पे, और ये जो फील्ड लाइंस जो इसकी वजह से जनरेट हो रही है वो यहां पे, उसका डायरेक्शन ऐसा है. यानी यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और ये बी और एम के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है. यानी यहां पे एम एंड बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90. करेक्ट, और यहां पे एम एंड बी के बीच में जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, जीरो. ओके, अब हमने ये भी पढ़ के रखा है इक्वेटोरियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन. तो इक्वेटोरियल मतलब ये वाली पोजीशन है ना. देखिए ये पैरेलल है, इक्वेटोरियल का मतलब एक ऐसे जाए और दूसरा ऐसे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन. दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज द पैरेलल पोजीशन. ओके, या एक्सिस, इसको एक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है, सेम ऑन द एक्सिस. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये होती है. एमपी का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू पी, इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी वो इतनी होगी. और यहां पे एक्सिस की वजह से, एक्सिस पे देखिए, ये एक्सिस पे, ये वाला एक्सिस पे, तो एक्सिस में मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द पी इज एक्सिस इज दिस मच. इसका मतलब देखिए इसमें और इसमें टू टाइम्स का फर्क है, तो मैं कह सकती हूँ कि बी ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू मैग्नेट टू टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल. यानी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी इस कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजिशन. अब हम निकालते हैं, सबसे पहले जो हमें काम करना है वो टॉर्क पे काम करना है, टॉर्क और एनर्जी. अब एनर्जी की टर्म से पूछा हुआ है तो एनर्जी पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस, माइनस एम बी कॉस थीटा. वॉट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी के बीच का एंगल है. ठीक है, जाहिर सी बात है ये यू की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, यू मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव मतलब लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा लोवेस्ट पोटेंशियल होगी इसका मतलब एनर्जी विल बी मिनिमम. इतनी ज्यादा वो लोग इक्विलिब्रियम के उसमें होंगे, मतलब इतना ज्यादा वो इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, गॉट द पॉइंट. तो हम इस पे देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. तो एम और बी, फिर हम पीछे सॉल्व कर लेते हैं इसको. इसको सामने रखते हैं एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो हमने केस वन देखना है. केस वन इज इक्वल टू एम बी फर्स्ट वाले केस वन का मतलब हम ये वाले केस में देख रहे हैं. इसमें एम और बी के बीच में एंगल कितना है, 90. करेक्ट, तो यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो.
और ये मैंने किसके लिए निकाला, केस वन के लिए। तो केस वन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जीरो। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब मिनिमम नहीं होता है, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर देख लीजिए, सेकंड केस के अंदर कहाँ है, सेकंड केस के अंदर ये केस टू है, इसके अंदर एम और बी के बीच के जो एंगल है वो कितना है, जीरो है। दैट इज माइनस एम बी कॉस जीरो, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी, बिकॉज कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाती है। अब देखिए इन दोनों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, ये वाला, दिस इज मोर नेगेटिव। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा वो इक्विलिब्रियम में हो, उतना ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी मिनिमम से मिनिमम हो। हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम रहे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन होती है। दिस इज द स्टेबल पोजीशन जहां पे एनर्जी कैसी रहेगी, मिनिमम होगी। मिनिमम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, ओके। तो अपना ए पार्ट का आंसर आ गया। ए पार्ट में क्या होगा, इन विच केस इज द पोटेंशियल एनर्जी पी क्यू इज मिनिमम, इन केस टू। तो आंसर इज केस टू के अंदर सबसे मिनिमम रहेगी। अब बी पार्ट उन्होंने पूछा, इन विच केस पी एंड क्यू इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द टॉर्क, ठीक है। वैसे तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा, लेकिन ठीक है टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, ठीक है, एम क्रॉस बी विच इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एंड अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो आप देख लीजिए इस केस टू के अंदर, केस वन के अंदर पहले देखते हैं एम और बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। दैट इज एम बी साइन 90 विच इज इक्वल टू वन, साइन 90 की वैल्यू, तो एम बी आ जाएगा टॉर्क इन केस वन, है ना। दो केसेस है, अब केस टू के अंदर टॉर्क की वैल्यू देख लेते हैं। तो एम बी साइन जीरो, क्योंकि इस केस में थीटा इज जीरो बिटवीन एम एंड बी, तो हैंस साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो टॉर्क इस जीरो, मतलब कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा उसको घुमाने के लिए, क्योंकि वो इस नीडल के थ्रू इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, क्योंकि वो उसी की एक्सिस में, जबकि इस पे टॉर्क लगेगा, इस पे टॉर्क लगेगा ताकि ये इसकी डायरेक्शन में आ सके, है ना। तो इन विच केस पी एंड क्यू इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो कौन से केस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, इन केस वन, इन केस वन इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं है। और देख लीजिए इसकी, दैट्स वाई एनर्जी भी कितनी है, जीरो आई, मिनिमम नहीं आई, लेकिन हाँ जीरो एनर्जी है। एंड टॉर्क कितना आया इसके अंदर, टॉर्क इज एम बी, मतलब टॉर्क इज मैक्सिमम, दिस द मैक्सिमम, ओके, क्योंकि 90 डिग्री इज द मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।